सहाबा कराम की जिंदगियां देखें, ताबईन की जिंदगियां देखें, उन्होंने रिश्ता नाता तय करते वक्त दीनदारी को तरजीह दी। अब्दुल्ला बिन वदा रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं, मैं सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह के दरस में बैठा करता था, उनका शागिर्द था। ये तीन दिन दरस में शामिल नहीं हुए, क्लास अटेंड नहीं कर सके। तीन दिन के बाद फरमाते हैं कि मैं क्लास में हाजिर हुआ। उस्ताद मोहतरम कहने लगे, सईद बिन मुसैयब ताबी हैं और बहुत इबादत गुजार ताबी हैं। उन्होंने पूछा, भाई अब्दुल्ला आप तीन चार दिन क्लास से गैर हाजिर थे। वो कहता है, मैंने कहा कि मेरी बीवी फौत हो गई थी, बीवी का इंतकाल हो गया था, इस वजह से उसकी तदफीन तजहीज़ो तकफीन के लिए जो है वो मैं हाजिर नहीं हो सका। वो आगे से सवाल करते हैं, आगे कोई लड़की देखी है निकाह के लिए? वो कहता है, मुझे गरीब को किसने रिश्ता देना है, मेरे पास महज दो या तीन दिरहम हैं, दो या तीन दिरहम, इससे ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं, मुझे किसने रिश्ता देना है? सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ कर दूं। वो कह लगे, इससे और खुश नसीबी क्या होगी कि आपका मैं दामाद बनूं, आपकी बेटी मेरी अकद में आए। कहने लगे, क्या अभी निकाह पढ़ा दूं? अब अंदाजा करें, हमारे मुआशरे के अंदर बहुत कम बल इल्ला माशाल्लाह कोई बंदा रिश्ता लेने के लिए अपना रिश्ता, आप किसी की बेटी का रिश्ता मांगे, इत्तफाक से उसकी बीवी फौत हो चुकी हो, रंडवा हो, या उसने तलाक दी हो। वो कहेगा, तेरे साथ मैं रिश्ता करूं? मेरी बेटी कंवारी है और तू शादीशुदा, तू रंडवा, मैं अपनी बेटी का, कंवारी बेटी का तेरे साथ निकाह करूं? तुझे शर्म नहीं आई बात करते हुए? फिर हमारे मुआशरे के अंदर छह छह महीने गुजर जाते हैं और कोई शादी का मामला हो ना जी, तो वो कहते हैं, जो तेन शर्म नहीं आई, तुम दिन तय कर लेना, तेरा चाचा ये छह महीने हो गए ना, कफन मैला ली होया, तुम रिश्ते करन लाओ। तीन दिन हुए हैं, तीन दिन, और इस्लाम में सो कितने दिन का है? तीन दिन का। ये नहीं है कि महीनों आप जो है ना वो फूड़ी डाल के बैठे रहे, तीन दिन सोख फिर अपने काम काज में मसरूफ हो जाए। कहते हैं, मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हें दे दूं, मैं अभी बताऊंगा कि उस बेटी के लिए रिश्ता किसका आया था। वो कहते हैं, ये कर दें, अभी कर दूं? कहने लगे, अभी कर दें। वहीं क्लास में बैठे बैठे जो दो या तीन दिरहम उनके पास थे, उसी को हक महर मुकरर किया और अपनी बेटी के साथ अब्दुल्ला बिन वदा जो इंतहाई गरीब है उसके साथ अपनी बेटी का निकाह कर दिया। वो कहता, मैं बड़ा खुश खुश होकर, रुख्सती का बाद में, रुख्सती बाद में करनी थी। वो कहता, मैं बड़ा खुश होकर अपने घर गया, रोजा मैंने रखा हुआ था, रोजा, अफतारी का वक्त आया, मैं अफतारी करने लगा, और तो मेरे ना अफतारी के बाद, नमाज मगरब के बाद दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। वो कहते हैं कि मैंने पूछा, कौन? आगे से आवाज आई, सईद। अब वो कहता, मैं सोचने लगा, सईद कौन? सईद, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि सईद बिन मुसैयब होंगे, क्योंकि 40 साल हो चुके थे, 40 साल वो अपने मस्जिद और घर के अलावा किसी और जगह नहीं गए, सिर्फ मस्जिद और घर, मस्जिद और घर। वो कहते हैं, मैंने दरवाजा खोला तो देखा सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह बाहर खड़े थे। कहने लगे, मैंने अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ कर दिया था और मैंने सोचा था कि रुख्सती बाद में करेंगे, लेकिन रात आई ना तो मैंने सोचा कि वो शादीशुदा है, मेरी बेटी शादीशुदा है, वो तनहा घर में रात क्यों गुजारे, मैं अपनी बेटी को लेकर आया हूं, ये लो तुम्हारी अपनी बीवी को संभालो। अंदाजा करें ना, कोई खर्चा, हमारे रिश्ता शादी करते होगा 8, 10, 12, 20, 30 लाख रुपया तो गया। वो कहते हैं,
कि जब मैं खलवत की उसके पास में गया, हुस्नो जमाल में भी बेहतरीन, कुरान भी उसे बहुत ज्यादा याद था, अहादीस नबवी भी उसे बहुत ज्यादा याद थी, और शौहर के हकूक से भी वो वाकिफ थी। और ये वो लड़की है जिसका रिश्ता किसने मांगा था? अब्दुल मलिक बिन मरवान, जो उस वक्त खलीफा था, खलीफातुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन ने अपने वली अहद बेटे वलीद बिन अब्दुल मलिक के लिए सईद बिन मुसैयब की बेटी का रिश्ता मांगा, मगर उन्होंने वली अहद को रिश्ता देने से इनकार कर दिया और दीन की बुनियाद पर उसे रिश्ता दिया जो मदरसे का तालिब इल्म, उनका शागिर्द था, जिसके पास महज 2 या 3 दिरहम थे। दीनदारी को तरजीह दी उन्होंने। हमारे यहां वजीर आजम के घर से रिश्ता आ जाए उसके बेटे का या बेटी का, तो ये हो ही नहीं सकता कि कोई बंदा इनकार करे, और उन्होंने इनकार करा। और किसके साथ बेटी का निकाह किया? तालिब इल्म के साथ, जिसके पास महज 2 या 3 दिरहम थे।